जब मैंने टीन इंडिया के नाम से एक पैजेंट किया था, और उससे भी पहले मेरी स्कूलिंग खत्म ही हुई थी, मेरी ट्वेल्थ खत्म हुई थी एंड मैं लंदन जा रही थी. तो जब मैं लंदन गई, मेरी मॉम ने कॉल किया था मुझे कि डू यू वॉन्ट टू गो फॉर दिस पैजेंट, आपको जाना है, आई थिंक आपको जाना चाहिए बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू. तो मैंने कहा ठीक है, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं टीन यूनिवर्स के लिए, टीन इंडिया के लिए जाऊंगी, देन टीन यूनिवर्स के लिए. एंड लकीली आई गॉट द क्राउन, सो इट फील्स ग्रेट. बहुत एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है, और आप डिफरेंट कंट्रीज की लड़कियों से मिलते हैं. लैंग्वेज प्रॉब्लम काफ़ी था, बट फिर भी हमने काफ़ी कोप अप किया, क्योंकि जितना भी हो, फिर मैंने उनको थोड़ा बॉलीवुड डांस सिखाया, अपने कल्चर को शेयर किया, उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे सिखाया. तो ये सिर्फ एक क्राउन के लिए हम जर्नी नहीं करते हैं, हम लोगों का दिल जीतने के लिए भी करते हैं. एंड एक ग्रूमिंग सेशन की तरह होता है जो आपकी पर्सनैलिटी बनाता है. मैं पैजेंट को सिर्फ एक शो की तरह नहीं लेती जो सिर्फ ब्यूटी से ही रिलेटेड है, हम लोग और भी बहुत कुछ है. मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे पास तीन सबसे पावरफुल चीज़ें हैं, नॉलेज, टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस. और एज अ यूथ मेरे को लगता है कि हमें ये तीन चीज़ें यूटिलाइज करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए इन अ पॉजिटिव वे.